हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर स्टडी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के जो मैथ है दोस्तों, वो हम 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि द्विघात बहुपद। दोस्तों, आज हम 2.2 का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो आप बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है दोस्तों? चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों कह रहा है कि सबकी सत्यता ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। आप बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है? मेरे पास फिलहाल बुक नहीं है तो मैं दूसरी चीज़ें देख रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हम अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे तो दोस्तों हमारा हिसाब ये सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके पीछे देखिए गुणांक किसका है, इसका कोफिशियंट कितना है दोस्तों? कोफिशियंट कितना? ए है। तो ए का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी का मान कितना हो जाएगा? बी जो एक्स के पीछे कितना है? 2। तो बी का मान दोस्तों -2 हो जाएगा। और सी का मान कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है? आप इसको लिखते जाइए ठीक रहेगा। अब देखिए ए का मान a1 हो गया, बी का मान -2 हो गया, सी का मान -8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान तो दोस्तों डी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac? इस d को हम वास्तविक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक मान, उसको याद रख लीजिए। d को क्या बोलते हैं? वास्तविक मान या विवेचक मान, कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान -2 दिया हुआ है, तो -2 दे दीजिए। -2² - 4 * a। a का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 1 दिया हुआ है, 1 दे दे। गुना c का मान कितना दिया हुआ है? -8 दिया। अब देखिए गुना कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, अधिक -4 * -8 कितना जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 4 32 को तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आप इसको लिखते जाइए, ठीक है? अब देखिए डी का मान निकल चुका है 36, अब क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों? पॉज करके लिख लीजिए। अब डी का मान 36 निकल गया, डी का मान 36 निकल गया, ठीक है दोस्तों? अब डी का मान 36 निकल गया, अब हम अल्फा का मान निकाल देते हैं। अल्फा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अल्फा का जो सूत्र होता है वो होता है, अल्फा बराबर सूत्र होता है -b + √d/2a। ये सूत्र होता है, सबको पता होगा। अब देखिए b कितना दिया हुआ आपका? b दिया है -2। अब देखिए -2 पहले से, यहाँ भी माइनस है, तो कितना माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब प्लस है, अब d कितना दिया हुआ है? d मैंने अभी तुरंत निकाला 36, तो 36 का वर्ग कर दीजिए आप। अब 2a, तो 2 * a, a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ 1 आपका। अब देखिए आपकी 2 + 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। अब अटे 2 * कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 * 6 कितना हो जाएगा? 8 नीचे बटे 2, तो 2 से कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा, यानी कि अल्फा का मान दोस्तों हमारा कितना निकल गया? 4 निकल गया। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? अल्फा का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया। फिर बीटा का मान निकालता हूँ, अब इसका मान निकालता हूँ बीटा का। अब बीटा का सूत्र क्या आता है? वही होता है -b - √d/2a। अब देखिए b कितना दबा है? -2। अब -2 यहाँ माइनस पहले से, तो +2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए b का फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ मैं। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b - √d/2a होता है। अब b कितना? -2 दिया हुआ है, तो माइनस यहाँ पहले से है। माइनस क्या दोस्तों? यहाँ पहले से, एक मिनट, माइनस क्या है? पहले से है। अब देखिए माइनस जब पहले से है तो यहाँ क्या आ जाएगा? +2 हो जाएगा। फिर माइनस, अब d का मान कितना दोस्तों? 36 निकाला है मैंने, 36 का रूट दे देता हूँ, यहाँ a है ना, तो a देता हूँ, तो 2 * a का मान कितना है? 1 है। अब देखिए 2 - 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। अब 2 * 1 = 2, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 * 2, तो कितना हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अल्फा बराबर कितना निकाला मैंने? अल्फा बराबर निकाला 4 और बीटा बराबर निकाला -2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है 4s² - 4s + 1। इसमें भी कुछ नहीं, वैसे ही करना है। अब देखिए स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसके पीछे जो रहता है वो ए का मान होता है, जो आपका चर वाला पार्ट है ना उसके पीछे जो रहता है वो क्या होता है? बी का मान होता है। जो आपका डिजिट वाला होता है वो होता है सी का मान। अब देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा ना,
एक अमन कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। एक अमन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, इसके पीछे देखिए, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, डी का मान, डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब देखिए बी का मान कितना दिया, -4। अब -4 है तो क्या, -4 का स्क्वायर देंगे प्लस, सॉरी -4 गुने ए का मान कितना है, ए का मान मैंने यहाँ दिया है 4, ए का मान 4 दे देता हूँ, और सी का मान 1। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, अब देखिए 4 चौक 16 1 16, यानी 16 - 16 कितना, 0, यानी कि दोस्तों डी का मान यहाँ पर 0 निकल गया, ठीक है, डी का मान 0 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब मैं अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल रहा हूँ। अल्फ़ा वाला सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा वाला सूत्र होता है -b + √d/2, यही होता है। अब देखिए अब b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दोस्तों -4 दिया। अब देखिए यहाँ माइनस पहले से है, उसमें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। और d का मान कितना निकाले, 0 निकाले, तो 0 दे देता हूँ। अब 2 गुने a का मान कितना है, 4 है। अब देखिए 4 0 का वर्गमूल, तो 4 ही हो जाएगा, तो 4 + 0 = 4। अब 8, 4 × 4 = 8, यानी कि दोस्तों अल्फ़ा का जो मान निकल गया 1/2 उसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे, बीटा। तो बीटा का मान मैं निकालता हूँ, तो बीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बीटा का सूत्र होता है -b - √d/2a। अब देखिए बी कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ, तो +4 हो जाएगा। फिर माइनस, डी का मान कितना, 0, तो 0। अब 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। अब देखिए 4 में 0 जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 × 4 = 8, यानी कि इसका भी दोस्तों आंसर वही हो जाएगा, 4 × 4 कट गया, 4 × 2 = 8, यानी कि 1/2 ही हो गया। यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान, α, β का मान हम इसे लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा कितना निकल गया, 1/2 / 1/2, इसका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल दोस्तों हमारा है, हम तीसरा सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, तीसरा सवाल हमारा है 6x2। तीसरा सवाल है 6x2 -7x -3, यही सवाल दोस्तों। इसको क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, a का मान, और जो चर वाला पार्ट है, x वाला पार्ट है, वो तो b हो जाएगा, और जो सिर्फ डिजिट वाला पार्ट है वो c हो जाएगा। अब देखिए तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया, 6 निकल गया, और b का मान कितना निकल गया, -7 निकल गया, और c का मान कितना निकल गया, -3 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, d का मान। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। अब देखिए b का मान कितना है, -7, तो -7 का स्क्वायर दे देता हूँ। अब -4 × a, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान 6 है, गुना c का मान कितना है, -3। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49, और माइनस गुना माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 4 × 6 = 24, 24 + 72, 49 + 72, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 121 होगा, कितना 121 होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा d का जो मान हो गया वो 121 हो गया, d का मान कितना हो गया, 121 हो गया। डी का मान कितना, 121 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, वही वापस से वही चीज़ करेंगे। अब देखिए अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या होता है, -b + √d/2a, यही होता है ना। अब देखिए b कितना है दोस्तों, -7 है, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। डी का मान कितना है,
डी का मान दोस्तों कितना निकाले, 121 निकाले। अब बटे 2 गुना ए, ए कितना है दोस्तों, ए है आपका 6। अब देखिए यहाँ तक लिख लीजिए और अब मैं अगले पार्ट में देखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले पार्ट में देखता हूँ। नोट कर लिया दोस्तों, अब हम चलिए देखते हैं क्या है 7 + 121, यही था ना, 7 + 121 का रूट बटे 2 गुना, ए का मान कितना था, 6 था ना, ए का मान 6 था ना, हाँ 6 था। अब देखिए 7 + 121 का दोस्तों अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 11 होता है, सबको पता होगा, और 2 * 6 कितना, 12 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हो जाएगा ना 18, और नीचे कितना है 12। अब इसको कटाइए आप, इसको जब कटाएंगे तो कितना का 12 में 6 से कटाइए, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, यानी कि दोस्तों 3/2 इसका आंसर हो गया। तो हम अल्फ़ा का मान कर सकेंगे, 3/2 हो गया आंसर। अब क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, तो इतना तक आप लिख लीजिए, ठीक है, इतना तक आप लिख लीजिए। चलिए बीटा का मान मैं निकालता हूँ, बीटा का सूत्र क्या होता है, -b − √d/2, यही होता है ना। अब देखिए b कितना है भाई, b कितना है, -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस। अब d कितना है, 121 है, तो यहाँ मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 121 का वर्गमूल कितना है, 11 होगा ना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब 2 × 9, a का मान कितना, 6 है, 6। अब देखिए 7 में से अगर 11 को घटाएंगे तो कितना होता है, -4 होता है ना, हाँ तो -4 हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी छोटे को बड़े में से घटाएंगे तो हमेशा माइनस होता है, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। अब 2 * 12, अब इसको कटाइए, 4 * 4 और 4 * 3 = 12, यानी कि -1/3 निकल गया, कितना निकल गया दोस्तों, -1/3, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया -1/3, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना निकाला हमने, 3/2, और बीटा का मान कितना निकाला, -1/3, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, इतना तक नोट कर लिया आप, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्या है, 4u² चौथा क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर लीजिए, चौथा क्वेश्चन 4u² + 8u, यही है ना। अब इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका इसको हम कॉमन ले लीजिए, 4u आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, u बचेगा और प्लस 2 होगा, होगा ना, कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या करना है, अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, इसको 4u को इधर क्या बचा, 0 बचा, 4u को इसके बराबर कर देंगे तो क्या होगा, 4u = 0, तो u बराबर कितना, 0 हो जाएगा, 4 को उधर फेंकेंगे तो, ठीक है। अब देखिए u बराबर जब 0 हो गया, तो हम 4 नंबर दोस्तों फिर से देखते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन मारा है, 4u² + 8u, यही है ना। अब देखिए इसमें आप 4u को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, u + 2, इधर क्या 0 बचेगा, तो देखिए अगर इस 4u को हम इधर फेंक देते हैं तो u + 2 = क्या, 0 आ जाएगा, तो u + 2 = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब u + 2 = 0 हो गया तो जाहिर सी बात है u = -2 हो गया, ये तो बहुत आसान था भाई, सेकंडों में हल हो गया, ठीक है, ये बहुत आसान था। तो इसको लिख लीजिए 4 नंबर का आप, अब हम बताएंगे आपको 5वां नंबर साहब, कौन सा 5वां नंबर, 5वां नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। 5वां नंबर हमारा सवाल है, 5वां नंबर सवाल है t² - 15, क्या है t² - 15। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, t² - 15 है ना, तो आप t² = 15 को उधर फेंक दो, क्या 15 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15। अब देखिए रूट जो होता है ना, वो जो उसमें रूट निकलता है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, तो ये इसका आंसर हो गया, √+√15 या −√15। रूट में कोई भी चीज़ होता है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, आप इसको लिख लीजिए, छठा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, छठा क्वेश्चन आपका है, छठा है 3x² - x - 4, यही है,
इसमें भैया अल्फा बीटा निकलेगा। देखिए इसको कैसे करना है, बताया था स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो ए हो जाएगा, जो एक्स वाला पार्ट है वो बी हो जाएगा, और जो चर वाला पार्ट यानी कि अंक वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वो सी हो जाएगा। अब देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा, तीन हो गया, बी का मान कितना हो गया, माइनस एक हो गया, और सी का मान कितना हो गया, माइनस चार हो गया। ठीक है, सी का मान कितना हो गया, माइनस चार हो गया। तो ए का मान हो गया आपका, ए का मान कितना हो गया, ए का मान आपका तीन हो गया, बी का मान आपका माइनस वन हो गया, और सी का मान कितना हो गया, माइनस चार हो गया। ठीक है, अब डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी का मान कितना है, माइनस एक का स्क्वायर माइनस चार गुने ए का मान कितना है, तीन गुने माइनस चार, तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर वन ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चार तीन बारह, बारह चौका अड़तालीस, यानी कि एक प्लस अड़तालीस कितना हो जाएगा, उनचास हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस होता है उनचास हो गया। अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा का मान, तो अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या होता है, आप इसको इतना लिख लीजिए, आप इतना इसको लिख लीजिए, फिर मैं अल्फ़ा बीटा का मान निकाल के बताता हूँ। इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, और मैं अल्फ़ा का मान निकालता हूँ। अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बटे टू ए। अब बी, बी का मान कितना, माइनस एक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान दोस्तों उनचास है, क्या है, उनचास है, बटे टू गुना ए। ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान दोस्तों तीन है। ठीक है, अब देखिए उनचास है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, सात होगा, तो एक प्लस सात आठ हो जाएगा, तो मैं आठ लिख देता हूँ, अब बटे दो तिया छः हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, देखिए दो तिया छः और दो चौके आठ, यानी कि अल्फ़ा का मान दोस्तों चार बटे तीन आपका निकल गया। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब क्या निकालना है हमें, बीटा का मान, तो बीटा का मान निकालता है, बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट डी बटे टू ए, यही होता है ना। अब देखिए बी कितना है, वही बी कितना है दोस्तों, बी आपका कितना दोस्तों, एक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अब वही बात दोस्तों, डी कितना, उनचास है, तो उनचास का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, अब बटे टू गुना तीन, तो छः हो जाएगा। अब यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो एक माइनस सात कितना हो जाएगा, माइनस छः हो जाएगा, माइनस छः बटे छः यानी कि माइनस वन, यानी कि अल्फ़ा का मान निकल गया आपका चार बटे तीन, और बीटा का मान दोस्तों निकल गया आपका माइनस वन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब कि इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसका जो शून्यक का जो गुणनफल है, योगफल गुणनफल दिया हुआ है हमें, क्या है दिया हुआ है, तो हम जानते हैं सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुना एक्स इंटू अल्फ़ा गुने बीटा बराबर जीरो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, मूलों का योगफल, और अल्फ़ा गुना बीटा मूलों का गुणनफल। इस सूत्र को पहले आप लिख लीजिए, तभी ये हिसाब बनेगा। ठीक है, इसी सूत्र पर हिसाब बनने वाला, तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, आप लिख लीजिए इसको रोक के, चलिए हिसाब की ओर। अब पहला हिसाब इसमें दिया हमारा, एक बटे चार दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, माइनस वन दिया, यानी कि एक बटे चार क्या हो गया, एक बटे चार अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और माइनस एक हो गया आपका अल्फा गुना बीटा। ठीक है, इसी को हम देखने वाले हैं। अब देखिए देखेंगे, अब देखिए दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, द्विघात समीकरण बराबर, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स अल्फा गुना बीटा, यही सूत्र होता है, बराबर जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आपका दोस्तों, ए बटे चार दिया हुआ ना, बटे चार गुना एक्स, तो गुना एक्स 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 दे दें हम, गुना एक्स, फिर गुना अल्फा गुना बीटा कितना दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ आपका माइनस वन दिया, प्लस होगा
माइनस वन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस दे दिया, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस एक गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बटे चार हो जाएगा, ठीक, और इधर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लो तो चार का लोग तम चार हो जाएगा ना, चार हो जाएगा, एक गुने चार चार, और चार गुना एक्स स्क्वायर तो चार एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अब माइनस देंगे, चार चार खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक्स बचेगा, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आपका चार बच जाएगा, और इधर क्या जीरो है, अब देखिए इधर जीरो है तो ये क्या इससे गुना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा इससे, तो ये बच जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, आपका पहला सवाल था, क्या था, पहला सवाल था, ठीक है। हम बताते हैं दूसरे सवाल का, दूसरा नंबर सवाल, आप इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा नंबर है, सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। अब देखिए सूत्र आप खुद लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण, आप इसको खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर जीरो होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, सूत्र आप हिसाब में देख लीजिए, किताब में आपका हिसाब होगा, हिसाब दिया आपका रूट टू कोमा वन बाय थ्री, यही दिया हुआ है, देखिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपके बुक में है ही, इसको देख लें, तो रूट टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा गुना बीटा, अब इसका मान रखने वाला है, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान क्या रखेंगे, रूट टू रखेंगे, रूट टू रखिए, तो माइनस रूट टू, ठीक, गुने एक्स प्लस इसका मान कितना दोस्तों, एक बटे तीन है ना, तो एक बटे तीन रख लो, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू गुना एक्स, तो माइनस रूट टू एक्स हो गया, अब बटे बटे कितना आ जाएगा, एक बटे तीन है ना, तो इधर एक बटे तीन दे दो, ठीक है। इसको वही करो, वापस से एलसीएम निकाल लो, एलसीएम तीन है तो तीन गुना एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर होगा माइनस रूट टू, ये हो जाएगा आपका थ्री रूट टू एक्स, और ये तीन तीन खत्म होते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए इधर जाएगा तो क्या जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका, ऊपर वाला बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मैं आपको लिख देता हूँ आंसर आपको हो जाएगा फाइनली थ्री एक्स स्क्वायर, देखिए ये इधर जीरो जाएगा ना, तो यही बचेगा ना आपका, तो आंसर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आंसर आपका इसका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये दूसरा सवाल था, अब चलिए तीसरा सवाल की ओर, तीसरा सवाल दोस्तों मैं डायरेक्ट अब सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है, अब उतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको सूत्र पता होगा, डायरेक्ट मैं सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण, यहाँ पहले लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा द्विघात समीकरण बराबर, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आपको ऐसे भी याद हो गया होगा, गुना एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर उधर जीरो होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा आपके बुक में दिया होगा, जीरो जो है दोस्तों जीरो क्या आपका अल्फा प्लस बीटा है, और गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा जो है वो आपका रूट फाइव दिया हुआ, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जीरो गुना एक्स करेंगे तो जीरो ही होगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अब माइनस इधर क्या रूट फाइव बचेगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आपका ये तो जीरो ही हो जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हल्का था। अब चौथा सवाल देखते हैं, आप इसको उतार लीजिए। अब चौथा सवाल दोस्तों आपका क्या है, वो दिया हुआ एक कोमा एक, ये दिया हुआ एक कोमा एक, ये दिया ना, तो डायरेक्ट मैं मान रख देता हूँ उसका द्विघात समीकरण लिखे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुना बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स अब प्लस अल्फा गुना बीटा, ये है तो एक हो गया। अब देखिए एक है ये दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक गुना एक्स माइनस एक्स अब प्लस वन, ये इसका आंसर हो गया। अब ये बहुत हल्का था। अब पाँचवा सवाल, पाँचवा दोस्तों आपका है माइनस एक बटा चार
कॉमा एड चार, यही है। अब इसको मान रखिए, डायरेक्ट मान रख दो। सूत्र आप लिख लीजिएगा बाद में कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा गुना बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए बटा चार हो जाएगा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा कितना है ए बटा चार, अब बराबर जीरो है इधर, इतना लिख लीजिए, मैं अब मिटाऊँगा, ठीक है। इतना लिख लिया आप, ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। कहाँ तक लिखा, वहाँ तक लिखा था, अब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो दोस्तों माइनस एक बटे चार था तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो एक बटे चार एक्स अब प्लस वन बटे चार हो जाएगा, इधर बराबर जीरो। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो चार होता है तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, तो चार एक्स स्क्वायर प्लस चार चार जाए एक, तो एक गुना एक्स हो जाएगा प्लस वन ही होगा, तो ये जीरो चला जाएगा इधर, तो ऊपर वाला पार्ट जो बचेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देखिए यहाँ जीरो जो है ये चार जैसे गुना होगा, ये कोनों कोनी गुना होता है ना, तो ये जीरो हो जाएगा और ये एक गुना इतना होता है, इतना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक 2.2 आपका ख़त्म हो जाएगा। लास्ट आपका क्या है, चार कोमा एक है, क्या है, चार कोमा एक है। चार कोमा एक है, तो वही वापस मान रख दीजिए, एक बार और चलिए सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए। सूत्र लिख देता हूँ मैं, द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर, सूत्र क्या होता है, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर जीरो, ये होता है ना। अब देखिए सूत्र लिख लिया, अब चलिए सूत्र यही आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आपका, हिसाब है आपका चार कोमा एक, यही आपका हिसाब है। तो चार क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला वाला जो अल्फा प्लस बीटा होता है और दूसरा वाला अल्फा गुना बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया चार, इधर गुना एक्स अब प्लस उधर क्या वन हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अधिकम माइनस, अब चार गुना एक्स करेंगे तो चार एक्स होगा, इधर बचा क्या प्लस वन, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये मैंने आपका 2.2 जो है क्लास 10 का ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने त्रिकोणमिति बता दिया, 8.1 भी बता दिया है, 8.2 भी बता दिया है और 8.3 भी बता दिया, ये तीनों दोस्तों मैंने ख़त्म कर दिया है। ये आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, और मैं 8.4 का भी दोस्तों जल्द ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों सभी सभी विषय की वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।